ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, राहुल गांधी जो थोड़ी देर पहले धरने पर बैठे हुए थे, अब उन्हें ले जाया जा रहा है, पुलिस वहां से उन्हें हटा चुकी है। विजय चौक पर धरने पर बैठ गए थे राहुल गांधी दीपेंद्र हुड्डा के साथ, और इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे और कई कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। अब राहुल गांधी को भी धरने से हटा लिया गया है। रजनीश आप वहीं पर मौजूद है, क्या हो रहा है इस वक्त वहां पर? बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया गया है और इस वक्त दिल्ली पुलिस अपने बस में राहुल गांधी को बिठाकर यहां से लेकर जा रही है। किस पुलिस स्टेशन में उनको ले जाया जाएगा ये अभी नहीं बताया गया, लेकिन राहुल गांधी डिटेन किए जा चुके हैं। अब तक ये पहला मामला है जब राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया है। विजय चौक के बाहर संसद भवन से महज 100 मीटर की दूरी पर राहुल गांधी धरने पर बैठे थे और उनके पार्टी की जो मांग थी राष्ट्रपति से नहीं मिलने दिया जा रहा था, एजेंसी के दुरुपयोग का जो मामला था और इसके अलावा पार्टी सांसदों के साथ जो दुर्व्यवहार पुलिस ने किया था उसके खिलाफ राहुल गांधी धरने पर बैठे थे। करीब 15 से 20 मिनट राहुल गांधी धरने पर बैठे, पुलिस ने उन्हें मनाने की तमाम कोशिश की, आला अधिकारियों ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप यहाँ से हट जाइए, लेकिन राहुल गांधी नहीं हटे और अंततः राहुल गांधी को डिटेन करके यहाँ से ले जाया गया। राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया गया है, कहाँ ले जाया जा रहा है उन्हें? देखिए ये जानकारी अभी नहीं दी गई है दिल्ली पुलिस की ओर से कि उन्हें किस पुलिस स्टेशन में ले जाया जा रहा है, लेकिन आमतौर पर हमने देखा है चाहे सोनिया गांधी से पिछली बार की पूछताछ हुई हो या राहुल गांधी से 5 दौर की जब पूछताछ हुई थी कांग्रेस नेताओं को जब हिरासत में ले लिया गया था तो दिल्ली के अलग अलग पुलिस स्टेशन में उन्हें ले जाया गया था, काफी दूर दूर तक उन्हें ले जाकर रखा गया था। हो सकता है राहुल गांधी को कहीं दूर ले जाएं, लेकिन कहां ले जाएंगे ये अभी तक तय नहीं है। थोड़ी देर में हो सकता है पुलिस की ओर से ये जानकारी मिले, या क्योंकि राहुल गांधी का मामला है तो पुलिस की ओर से बयान भी जारी किया जा सकता है उनको हिरासत में क्यों लिया गया है और उनको कहां लेकर जाया जा रहा है। ठीक है, बड़ी खबर इस वक्त की दे दे सोनिया गांधी से आज नेशनल हेराल्ड की पूछताछ के मामले में होनी है, ईडी को पूछताछ करनी है दूसरे राउंड की, और उससे पहले राहुल गांधी जो कि विजय चौक पर धरने पर बैठ गए थे उन्हें हिरासत में ले लिया गया। राहुल आप अरेस्टिंग देंगे क्या? राहुल आप अरेस्टिंग देंगे क्या? अधिकारी समझाने की कोशिश करो। राहुल गांधी से बार बार मीडिया ये सवाल कर रही थी कि क्या आप गिरफ्तारी देंगे, धरने पर बैठे हुए थे विजय चौक पर राहुल गांधी, लेकिन राहुल गांधी ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। अब दिल्ली पुलिस उन्हें अपने साथ बिठा करके बस में ले गई है, किस पुलिस स्टेशन में ले जाया गया फिलहाल इसकी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया गया है। और सिर्फ राहुल गांधी नहीं बल्कि जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और भी कई नेता जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे संसद भवन के बाहर, सभी को हिरासत में ले लिया गया है। दूसरी तस्वीर लगातार हम आपको कांग्रेस मुख्यालय से भी दिखा रहे हैं, वहां पर जो बैरिकेडिंग लगाई गई थी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए उसे भी तोड़ दिया गया। 3-4 बसेस वहां पर दिल्ली पुलिस जिसके जरिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ को वहां से हटाया जा रहा है। जो विमेन विंग है, यूथ विंग है, सभी मिलकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर के। मसला है नेशनल हेराल्ड के मामले में, आज सोनिया गांधी से दूसरे राउंड की ईडी को पूछताछ करनी है, इसी को लेकर के कांग्रेस पार्टी लगातार प्रोटेस्ट कर रही है। आरोप ये कि ये बीजेपी की साजिश है, केंद्र सरकार साजिश कर रही है, ऐसे कई आरोप बीजेपी के ऊपर लगाए जा रहे हैं कि फंसाया जा रहा है। राजनीतिक प्रतिशोध का नाम भी कांग्रेस की ओर से दिया गया है इस पूरे पूछताछ को लेकर के। थोड़ी देर पहले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं विजय चौक पर जब धरने पर बैठे हुए थे राहुल गांधी, और उसके बाद उन्हें दिल्ली पुलिस अपने साथ ले गई है, हिरासत में ले लिया गया है। ये पहली दफा है जब प्रोटेस्ट में राहुल गांधी को हिरासत में ले जाया गया है, लेकिन किस पुलिस स्टेशन में ले जाया गया है फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है। रजनीश विजय चौक से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, रजनीश इस वक्त वहां पर क्या और भी कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता मौजूद है या फिर अब सब वहां से हटा लिए गए क्योंकि खुद राहुल गांधी को भी अब हिरासत में ले लिया गया है? के यहाँ से तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नेताओं को हटा दिया गया है और पूरी तरह से ये जगह दिल्ली पुलिस ने खाली करा दिया है। यहाँ पर कोई पॉलिटिकल वर्कर नजर नहीं आ रहा है। तमाम जो सांसद थे उनको पहले ही हिरासत में ले लिया गया था और यहाँ पे पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे बल्कि लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद कांग्रेस पार्टी के हैं वो वही यहाँ पे मौजूद थे और उन तमाम लोगों को पहले ही हिरासत में लिया गया था। 3-4 नेता जो आखिर में बचे हुए थे उनको पहले ही हिरासत में लिया गया और आखिर में राहुल गांधी को यहाँ से डिटेन करके ले जाया गया। तो इस वक्त विजय चौक पर स्थिति पूरी तरह से सामान्य है, हालांकि पुलिस बलों की जो तैनाती है
हैं वो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर नजर आ रही है। सिर्फ दिल्ली पुलिस नहीं बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। चूंकि हाई सिक्योरिटी जोन है ये संसद से लेकर राष्ट्रपति भवन तक, तो यहाँ पर पहले ही सुरक्षा बहुत ज्यादा मजबूत रहती है, लेकिन आज प्रदर्शन की वजह से भारी तादाद में सुरक्षा कर्मियों को यहाँ पर तैनात किया गया था और धीरे धीरे वो भी अब यहाँ से हट रहे हैं। यहाँ पर अब कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी अब यहाँ नजर नहीं आ रही है। लेकिन रजनीश, ये तो तय बात है कि जब भी नेशनल हेराल्ड के मामले में चाहे राहुल गांधी से पूछताछ हो या सोनिया गांधी से पूछताछ हो, कांग्रेस पार्टी का ये विरोध प्रदर्शन इसी तरीके से चलता रहेगा।